नागरिकता संशोधन बिल को लेकर मऊ में उपजे विवाद के बाद यूपी में धारा 144 लागू। सूबे के डीएम एएसपी समेत सभी प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां रद्द। दिल्ली अग्निकांड पीड़ितों से राजद नेताओं ने की मुलाकात। बिहार सरकार से पीड़ित परिवारों को 25 लाख रुपए और उनके परिवार के सदस्य को नौकरी दिलाने की मांग। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने 24 परगना में कैब के विरोध में निकाला जुलूस। स्थानीय विधायक समेत कई पार्षद और नगरपालिका परिषद के सदस्य हुए शामिल। खजुराहो में आज से 5वां खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ हुए शामिल। प्रयागराज के हंडिया में पुरानी चुनावी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक की पीट पीट कर की हत्या। पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी में लागू धारा 144 के चलते बहराइच के जिला अधिकारी शंभु कुमार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने रात भर किया जिले का भ्रमण। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने की अपील। राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में न आए सियासी समुदाय। बनासकांठा में सामने आया मानवता को शर्मसार करने का मामला। प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक का लोगों ने किया मुंडन। नागरिकता कानून को लेकर विपक्षी दलों ने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात। सोनिया गांधी बोली, जनता की आवाज दबा रही मोदी सरकार। नागरिकता कानून को लेकर मची विवाद के बीच बोले गृह मंत्री अमित शाह, विपक्ष पूरे देश को कर रहा गुमराह।